मिक्स चीजों की चटनी। ये देखें टमाटर जो है मैंने, पीपल ये देखें जो है वो अमरूद, बहुत लजत वाली बनी है। तो आप भी घर में ट्राई करके देखें, बहुत मजे की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक, हमारी दुआ है आप जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, इसीलिए एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हाँ जी व्यूअर, ये देखें आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स चीजों की चटनी। ये देखें टमाटर जो है मैंने एक बड़े साइज का कटिंग करके रख लिया है, मरूद मैंने रख लिया है। एक दिन पहले भी आपसे मरूद की चटनी की वीडियो शेयर की थी, आज उसके अंदर उस दिन मैंने जो है डिफरेंट चीजें डाली थी, आज डिफरेंट आई है। देखें अमरूद जो है मैंने दो कटिंग करके रख ली है, हरी मिर्ची मोटी मोटी कटिंग करके रख ली है। आज उसके अंदर पुदीना भी मैं ऐड कर रही हूँ, उस दिन मैंने पुदीना नहीं था डाला, आज मैं पुदीना भी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया धो के रखा हुआ है वो भी इसके अंदर ऐड करना है, और साथ में इमली ऐड करनी है। मेन किरदार जो है ना हमारी चटनी के अंदर पुदीने का और इमली का है, साथ में अमरूद और प्याज दो बड़े साइज की कटिंग करके रख ली है। तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं पुदीना ले लूंगी। आप इस चटनी को अगर आपके घर में ब्लेंडर का जग है उसके अंदर ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कूंडी डंडे के अंदर कूट लूंगी, बारीक पीस लूंगी। देखें बिस्मिल्लाह, क्योंकि मुझे हाथ से ये जो बारीक पीसनी है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पुदीना इस तरह उसके अंदर मैं पीस रही होती हूँ, उसकी मुझे खुशबू बड़ी प्यारी लगती है। बिल्कुल बारीक, आपने इसको पीस लेना। ये देखें जो है वो अमरूद और धनिया और पुदीना बारीक, उनको मैंने पीस लिया। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए, लंबे लंबे के मैंने कटिंग किया हुए थे। ये इतनी मजे की चटनी बनती है, इतनी लजीज बनती है। अगर आपके घर में सालन नहीं है तो आप यकीन माने जिधर आपने एक रोटी खानी है, इस चटनी के साथ दो रोटियां खाएंगी, पेट भर के आप रोटी खा सकते हैं। आप इसको 10 से 12 दिन तक फ्रीज भी कर सकते हैं इस चटनी को। वैसे भी ये हाजमा होती है चटनियां, मरूद जो इसके अंदर डाला हुआ है वो बहुत मुफीद है, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज है। वैसे भी मरूद जो है वो खून पैदा करता है, हमारे खून के अंदर से जो जहरीले मादे है वो खत्म करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो साथ में इसके अंदर खट्टी इमली ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए, वो लास्ट में मैं ऐड करूंगी लास्ट में। यकीन माने आपका पेट भर जाएगा, इतनी मजे की ये चटनी बनती है और इतनी लजीज बनती है, जरूर घर में ट्राई करके देखें। बहुत अच्छे से इसको मैंने पीस लिया है, इसके अंदर मैं हरी मिर्चें, दो हरी मिर्चें मैंने जो मैं कटिंग कर ली थी, साथ में प्याज भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज्यादा ही है, थोड़ा सा एक बार मैं कर लेती हूँ, उसको पीस लेती हूँ। देखें इतना ही काफी है, खट्टी इमली जो है वो ऐड करूंगी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, खट्टी खट्टी सी बनती है। चीजें मेरी मिक्स हो गई हैं, लास्ट में इसके ऊपर धनिया ऐड कर रही हूँ। ये पुदीना धनिया जो है बहुत ठंडा होता है, हमारे जो जिगर की गर्मी को जो है वो दूर करता है, जहरीले मादे जो है वो खत्म करता है हमारे जिस्म से, और हाजमा होता है, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए इसके अंदर मैं अब लास्ट में इसके अंदर इमली जो है वो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी, तो
तो वो उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट में ऐड करनी है आपने। तो ये पतला सा मटीरियल है इसका, तो फिर मैंने तो थोड़ी डाल ली है, ज्यादा खट्टी बन जाती है फिर इस तरह। लास्ट में इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, ये जो है मैंने मोटी वाली जो है रेड मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं लेनी, मोटी वाली नहीं लेनी है, दादर मिर्च काफी है, बहुत ज्यादा तेज है इसलिए काफी है। हमें ये देखो थोड़ा सा इसके अंदर मैं अनारदाना ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो नमक डाल रही हूँ लास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से मेरी इमली और अमरूद की और पुदीने की चटनी जो है वो रेडी हो गई है। देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर मैं ये एक लेमन का रस जो है वो निचोड़ रही हूँ। वे लीमू जो है वो एंटीबायोटिक होता है, इसके साथ बड़ी खट्टी खट्टी सी खट्टी मीठी सी जो है वो चटनी हमारी रेडी हो गई। लास्ट में मैं इसको निचोड़ रही हूँ। ठीक है, हाँ जी व्यूअर जी, देखे माशाल्लाह से लीमू का रस मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिया। देखे इतनी मजे की चटनी रेडी हुई है, प्याज पुदीना और खट्टी इमली और अमरूद की चटनी बनाई है, बहुत मजे की बहुत लज्जत वाली बनी है। तो आप भी घर में ट्राई करके देखें, बहुत मजे की बनी है ये, बहुत वैसे भी हाजमा होती है। जिन लोगों को मैदे का मसला है वो ये चटनी के साथ रूटीन बना रहे हैं, रोटी खाएं, यकीन माने आपका मैदा चंद दिनों में जो है वो जबरदस्त हो जाएगा। तो ठीक है, मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, इसलिए आपने मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।